होली क्यों मनाते हैं हम? होली हे गलत जवाब। हम होली क्यों मनाते हैं? होली मनाते हैं क्यों मनाते हैं? ऐसे मनाते हैं। ऐसे कैसे? फिरेगी। अंकल जी आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? कहने चाहते हैं प्रेम से होली खेलो, साल भर में एक दिन आता है। हाँ जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ राज में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज है होली का दिन और सभी लोग खेल रहे हैं होली। और जैसे कि मैं इस बार अपने गांव नहीं जा सका होली को मनाने के लिए, तो मैं हूँ गैरसैंण में और देखते हैं आज की होली कैसी रहती है। और आप वीडियो में बने रहें, आपको एक अच्छी वीडियो आज देखने को मिलेगी। होली क्यों मनाते हैं हम? होली इसलिए मनाते हैं ताकि पैसे मिल जाए। हे गलत जवाब। आपको कोई रुपए नहीं मिलता है, आप बताओ भाई। मुझे पता है, अब आ गया। आप बोल। अरे दुकान दुकान लो लो ये पकड़ो। होली एक त्योहार है, तभी तो मनाते हैं। हाँ। पर वो त्योहार हम क्यों मनाते हैं? खेलने के लिए मनाते। खेलने के लिए? हाँ चलो ये भी ठीक है, पर दूसरी मुख्य क्या है? मेन क्यों? मेन क्यों मनाते हैं? मेन रंग लगाने के लिए। हाँ, ये ऐसा तो नहीं है यार। मेन मेन इसके बनाता है ताकि लोग चलो कूद सके। रुको, तुम्हारे लिए एक काम है। कूद रहे? तुमने आज घर जाना है। हाँ। और घर में अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहनों को पूछना है कि हम होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, आज आपका एक काम। पहले बताओ गाँव कहाँ है आप लोगों का? सलाना, यही सलाना बैंड के। हाँ। तो मेरा यहाँ पे ऑफिस है, मुझे आकर बताओगी तुम? ठीक है, कहाँ पे है ऑफिस? हाँ। दरवाजा दिख रहा है दरवाजा? हाँ। तो वहाँ पर आकर बताओगे मुझे कि हम होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, डन। मैं पूछूंगी, आप बताओ हमारे घर के सबसे पास कौन सा खाल है? हाँ बताओ। हमारे घर के हमारे घर के सबसे पास कौन सा खाल है? सबसे पास कौन सा खाल है? हाँ। तुम्हारा घर कहाँ पे पहले बताओ? ऊपर। कहाँ ऊपर? दिवाली खाली भाई। जंगल में से एक खाल। जंगल में? हाँ। तो कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा। पर मैंने मैंने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, मैं बताऊं। हाँ। सिमोन खाल। ठीक है। और पर भाई मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है तो बताओ कि होली क्यों मनाते हैं? कब बताओगे मुझे? पक्का ना? यहाँ ऑफिस है। हाँ, और हाँ, तब जब तुम मुझे जवाब दोगे। हाँ। तो फिर मैं तुमको एक समोसा खिलाऊंगा। ठीक है ना? ठीक। हाँ, है क्या जवाब है? ना ना, घर में मम्मी पापा से पूछ के आना। हाँ, ठीक है ठीक है। बताओ कि हम होली के लिए मना ना? बताओ भाई, बताओ भाई, तुम ठेठ से दूर को हुए कृष्ण भाई। हम होली के लिए मना ना? कक्के गाँव पे आई सारकोट। हम होली के लिए मना ना? तो बोलती हो ना क्या? गौरव भाई हम के लिए मनो ना होली ना क्या? राहुल भाई हम होली के लिए मनो ना तेना क्या? क्यों मनाते हैं हम होली? तेना क्या भाई? दस पास वहाँ अकेले मनो ना हम होली। हाँ, लेकिन खुशी लाती है ना, पर वजह क्या है उसके मनाने की? मोहित के लिए मना ना हम? नहीं तुम पता कहते कहते नहीं पता। तो आज घर जाके सबसे पहले क्या पूछना है कि हम होली क्यों मनाते हैं? क्या हम होली क्यों मनाते हैं ये पूछना है। ठीक जी, धन भाई हम होली क्यों मनाते हैं? होली मनाते हैं तो क्या मनाते? क्यों मनाते हैं? ऐसे मनाते हैं। ऐसे कैसे? फिरेगी साउंड नहीं आता है। क्यों मनाते हैं? एक दिन आ क्यों रहा है? है भाई धनु भाई हमारे अंतर्राष्ट्रीय काम वाला आदमी है, मेहनत वाला आदमी है।
देव भाई हम होली क्यों मनाते हैं? फिरकी उस दिन फिरकी पीने को मिलती है। अब पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई, ठीक है? उसको हम नाच गाना करेंगे, ठीक है? पहले नाम बताओ सब अपना अपना नाम। माय नेम इज विजय सिंह रावत। विजय सिंह जी। आपका? अजय। अजय। आपका? माय नेम इज तनु। और आपका? माय नेम इज अंशुल। अंशुल तो दिख नहीं रहा यार भाई, अंशुल चलो यहाँ पे आओ बाहर, ठीक है? यहाँ ठीक है यही पे, यहीं पे, ठीक है? अब एक ही क्वेश्चन है मेरा, सबसे पूछ रहा हूँ मैं आज, सब पूछा भी। चलो पहले मैं वो कर देता हूँ यार आपका, नहीं आपकी मेहनत है नहीं। गुड। अब मेरे को एक बात बताओ कि हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? जिसको भी पता होगा वो बता सकते हो। बताओ तो तुम छोटा भाई हो ना, तो बताओ जो भी बता सकते हैं। हाँ होलिका का दहन हुआ था ना। हाँ, और होलिका का दहन क्यों हुआ था बताओ? हाँ वो लड़का कौन था? उसका नाम, उसका नहीं कृष्णा नहीं, कृष्णा नहीं, प्रहलाद है ना। और होलिका को एक वरदान मिला था कि तू कभी आग में नहीं जल पाएगी, ठीक है? और हाँ प्रहलाद को वो मारना चाहते थे, इसलिए वो उसको आग में लेकर गए, लेकिन आग ने होलिका का दहन हो गया, होलिका को जला दिया, और उस दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब पता चल गया ना, ठीक है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं चल रहा है पता, तो ध्यान रखना, ठीक है? इस बात का हमको, अगर हम कोई त्यौहार मना रहे हैं तो हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए ना, है ना? अब चलो, अब जरा ढोल बजाओ और थोड़ा एक, तुमको होली का गाना याद है कोई? होली का कोई गाना आता है? रुको, तुम्हें कोई होली का गाना आता है? बोलो। अब तब तुमको इस पे 2 रुपये 3 रुपये बोनस मेरे तरफ से, 3 रुपये और बोनस मिलेगा। चलो अच्छा होली है अभी तो बोलो जोर से। हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं बताओ जल्दी बताओ भाई मन रहे भला। होली का दहन ना, और उसके पीछे की कहानी भी पता करना है कि वो क्या हुआ था, ठीक है? क्या? अरे वहाँ दे तो दिया वो वहाँ थे ना। जैसे कि मैं घर से निकल पड़ा हूँ होली खेलने के लिए, और त्रिलोक भैया ने मुझे इनवाइट किया कि भाई होली खेलने आओ, और यहाँ पे मेरे साथ है त्रिलोक भैया, और ये हैं हमारे साथ ओलिया अंकल जी, जिनकी दुकान पे हम अक्सर बैठे रहते हैं। ये है इनकी दुकान, ओलिया स्टेशनरी सेंटर ना। हाँ, गिफ्ट स्टेशनरी, फोटो स्टेट और स्टेशनरी गिफ्ट सेंटर। तो अंकल जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? कहने चाहते हैं प्रेम से होली खेलो, साल भर में एक दिन आता है। हाँ जी, और जो है होली का त्यौहार तो प्रेम का है, मिलन का है। हाँ। उसका उसी रूप में उसको मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जो है कई कतिपय लोग जो है नशे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको नहीं, इसको अवॉइड करना चाहिए। वातावरण दूषित होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं भैया हमारे दर्शकों को? देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी बधाई है। आज ये होली का रंगों का और मिलन का त्यौहार है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि पूरे इंजॉय के साथ में गले मिलकर आज इस त्यौहार का सेलिब्रेशन करें। थैंक यू। तो दोस्तों आप बने रहें और मैं आपको आज यहाँ की होली दिखाऊंगा, तो बने रहें दोस्तों।
आज गैरसैंण में होली का आनंद दिया जा रहा है और ये है टीम साथ में। दोस्तों हम मोहल्ले में घूम रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं सभी लोग। ठीक है तो ये है आर ओ एन टीम, ऐसे बोल स्वस्थ कुछ रंगोली रंगोलियाँ बना रहे हैं। गुड दोस्तों, जो अभी तक का होली का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही शानदार रहा। तो मैं आज के व्लॉग को क्लोज करना भूल चुका था तो इसलिए मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक रखें आप सभी अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।